धर्मवीर जी, जो हम आज ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पौधारोपण किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में ये पौधारोपण आज किया जा रहा है? इसका मेन उद्देश्य ये है जी, एक तो जो ये सृष्टि है परमात्मा ने साजी हुई है, इसके लिए सबसे बड़ी तो बात ये है कि ये पौधारोपण इसी के लिए है, क्योंकि आज प्रदूषण की समस्या बहुत फैल चुकी है, तो उसी को रोकने के लिए है। दूसरा, आज डेरा सच्चा सौदा के संत गुरमीत राम रेम सिंह जी का जन्मदिन है, तो उन संत जी के वचन है कि बेटा, यदि आप हमें कोई तोहफा देना चाहते हो जन्मदिन पे, तो आपने पौधारोपण करना है, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जी जी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए डेरा सच्चा सौदा की संगत आज ये पौधारोपण करनी आपके सामने है, बिल्कुल जी जी। आप प्रत्यक्ष देख सकते हो जी जी। तो सर, जैसा कि आज आप पौधा लगा रहे हो, किस तरह से इनका प्रोसेस रहता है, आगे कैसे आप इनकी साफ संभाल करते हैं? ऐसा सर, इनको सिर्फ हम लगाते नहीं हैं, संत के वचन के अनुसार हम इनकी देख रेख अपने बच्चों की तरह करते हैं। एक हमारी कमेटी बनाई जाती है जिसमें 8 से 10 सदस्य रहते हैं, वो हर हफ्ते इसको आएंगे बारी बार सर। जैसे आज हमारी ड्यूटी है तो आज हम आएंगे, अगले हफ्ते दूसरे कमेटी की ड्यूटी है तो वो आएगी, तो ऐसे ही आके हम इनकी देख रेख करते हैं। जैसे ये अभी घास है जी, अभी तो ये सिर्फ लगाया है जी जी, अभी ये जो घास है इसको बिल्कुल साफ़ करना है जी, और जब तक ये कम से कम 5 से 7 फुट ऊँचा नहीं हो जाता तब तक इसकी देख रेख हमने करनी है जी जी जी। सर, दोस्तों बहुत ही काबिले तारीफ जो काम है, पर्यावरण, जहां हम आज के समय में देख रहे हैं कि पर्यावरण पूरा दूषित होता जा रहा है, वातावरण दूषित होता जा रहा है, बीमारियां फैली हुई हैं, अभी कोरोना के टाइम में भी ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी रही है, कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए उनके अनुयायी हैं, जो उनको बर्थडे के गिफ्ट के रूप में पौधा लगा रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ काम है। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डेरा सच्चा सौदा के द्वारा और क्या क्या काम किए जा रहे हैं जिससे कि समाज का भला हो, देश का भला हो? काम तो सर, डेरा सच्चा सौदा जो है 134 मानवता भलाई के कार्य कर रहा है, जो कि काबिले तारीफ है, क्योंकि सिर्फ डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ही नहीं, डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों से सीख लेके दूसरे मनमुखी लोग भी अब इस चीज़ को करने लगे हैं। आप देखते होंगे, पहले ये जो पौधारोपण की सेवा डेरा सच्चा सौदा ने शुरू की, अब आम दूसरी संस्थाएं भी लगा रही हैं जी जी, आम एक मनमुखी जीव भी लगा रहा जी, क्योंकि उसको अब इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है, और ज्ञान करवाने वाले कौन है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी। तो अब इसी तरह जैसे ब्लड दान करना, ये एक तरह से मुहिम ये भी जो शुरू है, ये डेरा सच्चा सौदा के द्वारा शुरू हुई, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के जितने भी अनुयायी हैं उनको जब भी कहीं से कॉल आती है एमरजेंसी कि भाई जी यहाँ पर हमें खून की ज़रूरत है, तो वो बिना किसी सोचे विचारे वहाँ पे पहुँचते हैं, और जिसको खून की ज़रूरत होती है उसको खून देकर उसकी जीवन रक्षा करते हैं जी जी। तो ये सब उन्हीं की सिखाई हुई शिक्षा है संत डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जी जी। जैसे अब आपको पता है बुराइयाँ तो इतनी है हमारे देश में कि गिनाना मुश्किल है जी जी। मैं तो ये मानता हूँ, जब से मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हूँ देख रहा हूँ कि हमारी सरकारें फैल है, पर डेरा सच्चा सौदा उनमें कामयाब है जी जी। क्यों? क्योंकि सरकारें देखो कुछ भी कहती हैं, लोग उस पर अमल नहीं करते जी जी। अगर कोई करता भी होगा तो 100 में से 2% जी जी। पर डेरा सच्चा सौदा के संत एक बार जो भी वचन करते हैं तो उनकी 100% सत्संगत उस काम में बिना सोचे विचारे लग जाती है जी, और उसके काम को बिल्कुल अपने तन मन धन से उसको पूर्ण करती है सर। जी जी जी। सर, लगभग 4 साल हो चुके हैं वो समाज के बीच नहीं है, तो क्या लगता है आज के समय में उनकी समाज को जरूरत है? समाज की ज़रूरत है, बिल्कुल है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि संत सिर्फ एकमात्र ऐसे हैं जो कि भाईचारे का असली पाठ पढ़ाते हैं जी जी। और ये हमारे सामने भी है कि जब से संत जी अंदर गए हैं तो उसके बाद देख रहे हो कहीं कोरोना फैल रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं सरेआम हत्याएं हो रही हैं, कहीं लूटपाट, मैं को उसके बाद इतनी घटनाएँ बढ़ चुकी हैं के कहने सुनने से परे है जी जी जी। और उसके उससे पहले का अगर हम देखें, जब तक संत बार थे तो मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे जी जी, एक दूसरे को एक दूसरे से भाईचारे में जोड़ रहे थे, तो ये अपने आप देख सकते हैं, इसके कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है जी जी जी। क्योंकि जो काम संत कर सकते हैं वो ना कोई सरकार कर सकती है,
ना कोई आम इंसान कर सकता है। जी जी जी, सिर्फ संतों के पास जो है, कहने के लिए वो संत होते हैं। जी जी जी, पर वो अगर रूहानियत के तौर पे हम कहें, जो हमें बताया गया है, सिखाया गया है, वो साक्षात परमात्मा रूप है। जी जी जी, वो सर डेरा की अगर हम बात करते हैं, डेरा के अंदर किस तरह का माहौल होता है, गुरु जी का किस तरह का, जो लोग वहाँ जाते हैं किस तरह उनका व्यवहार रहता है? डेरे के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल होता है। अब हम दुनिया में उसमें रहते हैं जब तक, तब तक हम सिर्फ क्या करते हैं, दुनियावी बातें करते हैं जी, दुनियावी कामकाज करते हैं, एक तरह से रूहानियत के तौर पे कहे तो काल के बगैर डोते हैं। जी जी, जैसे ही हम डेरे में जाते हैं, डेरे में जाने के बाद हम इस दुनियावी को भूल जाते हैं और वहाँ पे जाके हमें सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा की याद आती है, और वहाँ पे परमात्मा की ही याद हमें दिलाई जाती है जो हम भूल जाते हैं इस काल देश में आके। जी जी, ठीक है। और हमें इस दुनियावी तौर तरीके के भी तौर तरीके सिखाए जाते हैं और रूहानियत के भी तौर तरीके सिखाए जाते हैं कि बेटा आप रूहानियत में कैसे तरक्की कर सकते हैं, इस काल के देश में रहते हुए आप कैसे परमात्मा को पा सकते हैं, और यहाँ पे जो बुरे लोग हैं, जो मानवता को शर्मसार करते हैं, उनसे आप कैसे बच सकते हैं। जी, जी। ये सब चीज़ें हमें डेरा सच्चा सौदा में सिखाई जाती हैं, और हमें साथ ही ये सिखाया जाता है कि बेटे आपने हमेशा मानवता की सेवा करनी है, और तो और जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, उनकी भी आपने सार संभाल करनी है, क्योंकि सभी जीव उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। जी जी, कोई लास्ट में आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करूँगा मैं कि सरकार से मेरी विनती है कि वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है कि जो संत डॉक्टर गुरमीत राम रिंग सिंह जी पर दोष लगाए गए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। जी, एक मात्र परसेंट भी उनमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि 24 अगस्त का जो अखबार दैनिक भास्कर मैंने पढ़ा था, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने पढ़ा था, उसमें बिल्कुल ये साफ लिखा हुआ है कि ऐसा कोई सबूत सरकार के पास नहीं है जिसके आधार पर सरकार संत डॉक्टर गुरमीत राम ऋषि जी को सजा कर सके। जी, ठीक है, सरकार के पास कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं है और कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, यहाँ तक कि जिस लेटर को इशू बना के ये सारा प्रोपगंडा रचा गया वो भी झूठा है, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है एक दूसरे पत्र की, लेटर की, वो आपस में मेल नहीं खाती है। तो सबसे बड़ा सबूत है ये कि भाई ये जो सारा खेल रचा गया है ये बिल्कुल झूठा है जी, और वो संत जी बिल्कुल निर्दोष है। इसलिए मेरी यही मांग है सरकार से कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर भेजा जाए, ताकि वो जो समाज के 134 मानवता के भलाई के कार्य जो वो कर रहे हैं उनको निरंतर रूप से वो चला सके और मानवता का भला हो सके। जी जी, थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोगों ने बताया कि किस तरह समाज भलाई के लिए, देश भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की पावन शिक्षा पर चलते हुए उनके अनुयायी भी दिन रात मानवता की सेवा कर रहे हैं, और आज 15 अगस्त के दिन उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पौधारोपण करके उनको एक गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं और प्रकृति की संभाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेमिसाल कार्य है आज के समय में, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किया जा रहा है। आपके क्या विचार हैं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट है के साथ। धन्यवाद।